ये नाम में जो अपभ्रंश हो गया, इसके पीछे कोई वजह रही होगी या क्या कारण हो सकता है? दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जितने माइथोलॉजिकल सीरियल बनते हैं या कहानी फिल्में बनती है, उसमें कुछ न कुछ चमत्कार डाला जाता है। रामायण में, महाभारत में जो चमत्कार नहीं थे, चमत्कार डाल दिया गया उसमें ताकि लोग दर्शक देख सकें। क्या बुद्ध इस सीरियल में भी चमत्कार डाला है आपने? देखिए, बुद्ध को हमने बुद्धा नहीं किया, ऐसा हुआ है कि बुद्ध पूरी दुनिया में गया, और जब दुनिया में गया तो जिस तरह से वो इंग्लिश में स्पेल करते हैं तो उसमें वो बुद्धा की तरह स्पेल हो जाता है, इसलिए बुद्ध को हिंदी में बुद्धा, अंग्रेजी में बुद्धा हो गया। तो हमने कोई बुद्ध को बुद्धा नहीं किया, जब वो गया पूरे विश्व में तो वो बुद्धा के नाम से मशहूर हो गया। तो ये कोई नाम से कोई खिलवाड़ नहीं है, इसके पीछे कोई कोई कारण नहीं है, तो एक हिस्ट्री है। और जो आपने कहा, इसमें हम लोग कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे, बट स्पेशल इफेक्ट्स काफ़ी हैं, जैसे कि आपने देखा ड्रीम सीन्स हैं कि किस तरह से उनको सपना आया, या कैसे मुनि ने उनको विचार आया कि बुद्ध ये कदम चले जब उनका पैदाइश हुई। तो इसलिए ये सब स्पेशल इफेक्ट्स इसमें काफ़ी होंगे, जिससे कि सीरियल का पूरा मज़ा लोग ले सकें। मोदी साहब, एक सवाल, बुद्ध पर सीरियल अभी तक या फिल्म अभी तक नहीं बन पाई है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कोशिश भी जारी की, बहुत कोशिशें की हैं। मेरे ख्याल से मेन कारण क्या था कि इसकी कहानी जो है बहुत सिंपल और सरल है, माइथोलॉजिक होते हुए भी इसमें चमत्कार या अट्रैक्शन नहीं है। तो क्या इसको किस तरह से आपने ऐसा बनाया कि जो लोग इसे जुड़ पाएंगे एक सीधी सादी कहानी ना देखते हुए? देखिए, ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको बुद्ध की कहानी का ज्ञान नहीं है। बुद्ध की कहानी सरल नहीं है, ये एक राजा की कहानी है, जिसने कि जब वो प्रिंस थे तब भी उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे उसमें कहानियां हैं, और मैं कहानी अभी बताना तो नहीं चाहूँगा, वो तो आपको सीरियल ही देखने पड़ेंगे। परंतु बुद्ध की कहानी एक बहुत ही लाजवाब कहानी है, एक बहुत ही ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने कि बड़ा एक्शन ओरिएंटेड बुद्ध थे। आप ये एक मिसगिविंग है कि बुद्ध एक जगह बैठे रहते थे या नॉन एक्शन थे, वो जो आप प्रतिमा बुद्ध की देखते हैं वो उनके एनलाइटमेंट के समय की है, परंतु एज अ पर्सन उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और बहुत जगह जगह जाके उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, उनको जीवन चेंज किया गया, और वो हर कहानी उसमें बड़ी चमत्कारी कहानी है, और बड़ी सिंपल नहीं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी ही एक्साइटिंग कहानी है, और इसने कैसे कैसे वो सब जब आप सीरियल देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो आप वेट करिए और आप देखेंगे ये किस तरह से बुद्ध बने। गुड इवनिंग, हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। गुड इवनिंग सर एंड लेडीज, फरोखिया, it's a pleasure to see Mr. Modi, who has been such an industrialist, always smiling and laughing, coming to the right level of, it's a sort of a coincidence between the story and Mr. B.K. Modi's also, to an extent. Anyway, the other coincidence is, maybe, do you know why it is, the serial starts on the 8th of September, was there any reference to something? There was no reference. We wanted to start it as early as possible. We couldn't start before 8th because, we had to get the whole things done, and Z had to give us a slot, which they gave us on 8th. But it's also a very good timing because on 9th of September, there is a very big gathering in Delhi where the Buddhist leaders of the world from 37 nations are coming. And for the first time, they have decided that India should be the place where Buddhist leadership should be there. In the past, the Buddhist leadership has gone to different parts of the world, including Thailand, Sri Lanka, Japan, China. But Buddhist leaders of the world thought that the rightful place for Buddhist leadership is in India. And that's why this big conference is taking place, which is on 9th. And recently, Thairoji has just told me that they are aware of the serial coming on 8th, and they have provided full support to us. So we need support of all the Buddhist organization for making this serial successful. But not only that, we need the people of the world
It is also the year of 2013, which has a very significant year. It was said in the West that 2012 is the when the world will come to the end. And that's why you see in Hollywood, there were a lot of movies made based on 2012, where the world ended. There was a movie called 2012. There are other movies where the whole humanity finishes. And in the East, it was said that after 2012, the East will rise. So I think with the Buddha's voice, the East will rise and make East and West irrelevant and make the whole world live as one family. So 2013 is also a very relevant year. Yes, sir. Thank you very much. But thank you so much. Sir, actually, to tell you the truth, I was actually a Buddhist monk for 2 months of my life in Burma at the age of 10. Since then, I think I prefer the normal life. But I still love Buddhist values and I try to live by them. Thank you. No, but let me tell you, it's a misnomer that Buddha renounced the world. Buddha never renounced the world. Buddha left his family for the search of the truth. No, not sort of. This is something which you have to see the serial, because I think there are a lot of misgivings about Buddha, that he left the world, he left his wife, he left his child. So I think there are a lot of misgivings in the people's mind, especially the women, that Buddha has created something where he did not give the right respect or love to the woman. It's actually to the contrary. It was Buddha who brought the respect in the woman's life. It was Buddha who brought the equality to the woman of those times. So I think a lot of these misgivings will be taken off as you will see the Buddha serial. Thank you so much, ladies and gentlemen. Can we have a round of applause for our cast? And thank you.